सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनु स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आप लोग लगातार पूछ रहे थे कमेंट के माध्यम से कि मैम स्क्रूटनी का फॉर्म कब फिल किया जाएगा। दोस्तों, स्क्रूटनी के फॉर्म की डेट आ चुकी है। इस वीडियो में मैं पूरा आपको क्लियर बताने वाली हूँ कैसे कैसे आपको फिल करना है। और दोस्तों, ऑलरेडी मैंने ये वीडियो बनाया है कि किस तरीके से फॉर्म आपको फिल करना है, फॉर्म को फिल करके मैंने बताया है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें लिखी हुई है वो आपको देखना। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश की तरफ से ये सभी प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को जारी किया गया है और सभी निजी डीएलएड संस्थानों को, यानी कि जितने भी निजी डीएलएड या बीटीसी के संस्थान है उनको भी यह जारी किया गया है लेटर। इसमें देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, बीटीसी प्रशिक्षण 2013, 2014, 2015 बैच एवं डीएलएड 2017 बैच, 2018 बैच एवं 2019 बैच के द्वितीय सेमेस्टर के अंकानुसंधान ऑनलाइन आवेदन पत्र पूरित किए जाने के संबंध में। क्योंकि आपको पता है कि डीएलएड का जो 2019 बैच था इसके फर्स्ट सेमेस्टर को प्रमोट करके इन प्रशिक्षुओं को सेकेंड सेमेस्टर में भेजा गया था, इसीलिए इनके सेकेंड सेमेस्टर का ही केवल स्क्रूटनी होगा। और जो 13 बैच के, 14 बैच के, 15 बैच के प्रशिक्षु हैं, 17 और 18 बैच के, इनके प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चारों सेमेस्टर के एग्जाम के जितने भी चारों सेमेस्टर के स्क्रूटनी के फॉर्म ये प्रशिक्षु डाल सकते हैं। 13 बैच, 14 बैच, 15 बैच, 17 बैच और 18 बैच के प्रशिक्षु और 2019 बैच के प्रशिक्षु सेकेंड सेमेस्टर का। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर क्या चीजें लिखी हुई है। स्पष्ट रूप से यहाँ पर बताया गया है कि आप लोग यहाँ पर देखिए, बीटीसी प्रशिक्षण 2013, 2014, 2015 एवं डीएलएड प्रशिक्षण 2017, 2018 प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर एवं डीएलएड 2019 द्वितीय सेमेस्टर के अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की अंकानुसंधान यानी कि स्क्रूटनिंग ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। अंक अनुसंधान हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पूरित कर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रेषित किए जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निम्नवत है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो प्रशिक्षु 13 बैच के हैं, 15 बैच के हैं, 18 बैच के हैं, वे प्रशिक्षु अपना आवेदन कहाँ पर करेंगे, www.btcexam.in पर वे अपना आवेदन पत्र पूरित करेंगे, उनके लिए ये वेबसाइट बनाई गई है। इसके बाद 2014 बैच के जो प्रशिक्षु हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, इनके अंक अनुसंधान ऑनलाइन आवेदन पत्र हेतु वेबसाइट यहाँ पर आप देखिए intdata.in login.php पर पूरित किया जाएगा। इसके बाद देखिए 2017 बैच प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर एवं डीएलएड प्रशिक्षण 2019 द्वितीय सेमेस्टर अभ्यर्थियों के अंक अनुसंधान ऑनलाइन आवेदन पत्र पूरित हेतु वेबसाइट updlexam.in यानी कि 2017 बैच के प्रशिक्षु और 2019 बैच के प्रशिक्षु, स्पष्ट रूप से सुन लें, इनके लिए वेबसाइट है updlexam.in पर आप लोग अपना फॉर्म पूरित करेंगे। अब देखिए उपरोक्त सेमेस्टर के अंक अनुसंधान के आवेदन पत्र दिनांक 4/2/2021 यानी कि 4 फरवरी 2021 से लेकर के 4 मार्च 2021 तक फॉर्म भरे जाएंगे। पूरा एक महीने का टाइम है आप लोगों के पास, आप देख सकते हैं। उक्त निर्धारित तिथि के उपरांत किसी भी परिस्थिति में कोई अतिरिक्त समय देय नहीं होगा तथा ऑनलाइन माध्यम के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके बाद देखिए संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं निजी संस्थान दोनों संस्थानों के प्रशिक्षुओं के ऑनलाइन आवेदन पत्र पूरित करने हेतु वेबसाइट के कॉलेज लॉगिन पर क्लिक करेंगे, तदोपरांत स्क्रीन पर दिए गए कॉलेज का नाम तथा पासवर्ड को अंकित करते हुए अंक अनुसंधान ऑनलाइन आवेदन पत्र पूरित किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन मैंने ऑलरेडी ये सभी बातें आपको बताई हैं कि पहले आपको फॉर्म भरना है, फिर आप लोगों को क्या करना है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज की तरफ से आप लोगों को एक ड्राफ्ट बनवाना होगा और वो 100 रुपए का होगा, 2 सब्जेक्ट का। अगर आपको एक सब्जेक्ट का भरना है तो एक ही ड्राफ्ट बनवाना होगा, अगर आपको 2 सब्जेक्ट भरना है तो 2 ड्राफ्ट बनवाने होंगे 100-100 रुपए के, और आपको अपना आवेदन पत्र पूरित करना होगा। ठीक है, ये सभी चीजें मैंने आपको बताई। दोस्तों, जो ड्राफ्ट आप लोग का बनेगा वो परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज
के नाम से बनेगा, आप लोग को इसी नाम से बनवाना है। और यहाँ पर लिखा हुआ अगर आपने दो से अधिक विषयों में स्क्रूटनी का फॉर्म डाला तो आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा। अधिक से अधिक दो विषयों में ही केवल आप भर सकते हैं, बहुत गंभीर है, आप ध्यान से देखिए। अगर आपने दो से अधिक विषयों में भरा तो आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा। इसके बाद देखिए अंक अनुसंधान की नामावली सूची सहित दिनांक 8/3/2021 तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में किए जाने वाली प्रविष्टियों को भली भांति जांच में मिलान करने के उपरांत ही आवेदन को सेव करते हुए सुरक्षित करें। इसमें किसी भी त्रुटि के लिए प्राचार्य डायट संबंधित संस्था एवं प्रशिक्षणार्थी ही उत्तरदायी होंगे। यहाँ पर दोस्तों ये सभी बातें आप लोगों ने देख ली हैं, तो आप लोग अच्छे से अपना स्क्रूटनी का फॉर्म भर दीजिए। जिन भी प्रशिक्षुओं को कोई भी डाउट है, आप लोग सभी वीडियोस मैंने बनाई हैं, कितने नंबर बढ़ सकते हैं, इसके अलावा किस तरीके से फॉर्म को भरना है, और भी जो भी डाउट्स हैं आप लोग के, सभी पर मैंने वीडियोस बनाए हैं। आपको सभी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके भी आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं, यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं, और अपने थर्ड सेमेस्टर की तैयारी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हमारे चैनल टारगेट यूपीटेट सीटेट से आपको सभी विषयों की लिंक यहाँ से मिल जाएगी। दोस्तों ऑलरेडी हम आपके सभी विषयों को पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट पेपर पूरा खत्म कर दिया है पढ़ा के, सेकेंड पेपर समावेशी शिक्षा भी खत्म कर दिया है, थर्ड पेपर साइंस पढ़ा के खत्म कर दिया है। इसके अलावा आप लोगों के हिंदी विषय को भी पढ़ा के खत्म कर दिया गया है। आप लोग संस्कृत विषय की क्लास आप लोगों को मिल रही है, हर एक विषय को अपने चैनल पर पढ़ा रहे हैं, तो आपको इससे बेहतर तैयारी किसी भी और चैनल पर नहीं मिलेगी। आप पूरे यूट्यूब पर देख लीजिए, तो आप चैनल से बने रहिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास समय से जाए और आप बिना मिस किए सभी वीडियोस को देखते रहें। दोस्तों इस तरीके से आपको इस फॉर्म को फिल करना है, और अगर आप दो सब्जेक्ट में भर रहे हैं तो आपको 200 रुपए प्रति सब्जेक्ट, 100 रुपए फीस यहाँ पर बताई गई है। अब आप अगर निजी कॉलेज में है तो आपसे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इससे अधिक फीस ली जाएगी। तो अगर इस तरीके से अगर कोई भी प्रशिक्षु इस तरीके से फीस किसी के भी कॉलेज में अधिक वसूली जा रही है, तो आप लोग प्लीज कमेंट के माध्यम से बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग स्पष्ट रूप से जान जाइए इस वीडियो के माध्यम से, केवल हर सब्जेक्ट का 100 रुपए ही आपको देना है। अगर आपके निजी कॉलेज संस्थान जबरदस्ती कर रहे हैं या मतलब फीस को लेकर के वो अगर अधिक फीस आपसे मांग रहे हैं, तो आप लोग प्लीज कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और दोस्तों जितनी जानकारी हो सकती है अधिक से अधिक हमने आप तक पहुंचाई है स्क्रूटनी को लेकर के, जो भी प्रशिक्षु जिनका भी 2 नंबर से 3 नंबर से बैक लग गया है किसी भी सब्जेक्ट में, वो लोग प्लीज स्क्रूटनी के फॉर्म को जरूर भरें, और केवल 2 सब्जेक्ट का ही आप भर सकते हैं, ये भी ऑलरेडी आप लोगों को मैंने बता दिया है। तो आप लोग इसको भरिए, और आपके निजी कॉलेज के माध्यम से जो प्रशिक्षु निजी कॉलेज में है उनके निजी कॉलेज के माध्यम से ये फॉर्म आप लोगों को फिल कराया जाएगा, और जो प्रशिक्षु डायट में है उनको डायट में भराया जाएगा। तो किसी प्रकार से कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप लोगों के कॉलेज वाले ही इसको भराएंगे। तो आप लोग जाकर के कॉलेज में भर लीजिएगा, अपने विषय जिस भी विषय में बैक लगा है ध्यान से देख करके अच्छे से अपने फॉर्म को फिल कर लीजिएगा, अपना रोल नंबर सही से भर लीजिएगा। सारी बातें मैंने अच्छे से बताई हैं, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और दोस्तों जहां कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है आपको फॉर्म को भरने में, किसी प्रकार से आप हमको बताइए। 4 फरवरी से आवेदन शुरू हो रहे हैं, 4 फरवरी से स्क्रूटनी के आवेदन शुरू हो रहे हैं, तो आप लोग के पास समय है, आप लोग भर लीजिए अच्छे से। और पूरा 1 महीने का टाइम है, आप देखिए 4 फरवरी से लेकर के 4 मार्च तक का टाइम है आपके पास स्क्रूटनी का फॉर्म भरने के लिए, तो अच्छी खासा टाइम है। और आप सभी वीडियोस को देखते रहिए और लगातार हम आपको जानकारी प्रोवाइड कराते रहेंगे, तो ऐसे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए। जहां कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। जय हिंद।